हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी के मॉडल से होगा पाकिस्तान का उद्धार। दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने खुले मंच से शहबाज सरकार को दे दी भारत के इस मॉडल को अपनाने की सलाह। दोस्तों, भीख मांगने गए थे शहबाज शरीफ, उल्टा भारत के मॉडल को अपनाने का दे दिया गया सजेशन। बताएंगे क्या है बड़ी खबर, तो वही बताएंगे। अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक बांग्लादेश पहुंचे, मोहम्मद यूनुस के साथ मीटिंग करेंगे, डोनाल्ड लू भारत भी आएंगे। यानी कि दोस्तों, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बांग्लादेश पहुंच चुके हैं अमेरिकी अधिकारी, सरकार गिराने में है कुख्यात। दोस्तों, तो वहीं आपको बताएंगे केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कौन होगा आम आदमी पार्टी से नया मुख्यमंत्री, बताएंगे। दोस्तों, हुआ है बड़ा खुलासा, लगाए जा रहे हैं बड़े कयास। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री मोदी के मॉडल से होगा पाकिस्तान का उद्धार। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने शहबाज शरीफ सरकार को दे दी सलाह। एशियाई बैंक ने शहबाज सरकार को भारतीय मॉडल अपनाने को क्यों कहा, आपको बता दें। कंगाली में डूबे पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉडल लागू करना होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा योजना, समाज में सभी के लिए शिक्षा की समझ उल्लास को अपनाने की सलाह दी है, ताकि देश की खराब शिक्षा प्रणाली को सुधारा जा सके और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा सके। पाकिस्तान ने देश की खराब शिक्षा प्रणाली को सुधारने और सभी बच्चों की शिक्षा देने के लिए मनीला स्थित बैंक से आर्थिक मदद के लिए अनुरोध किया था। इसके जवाब में एशियाई कर्ज दाता ने पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी का मॉडल अपनाने को कहा। अब ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास गए थे आर्थिक मदद मांगने के लिए, लेकिन उस बैंक ने भारत के मॉडल को फॉलो करने का दे दिया बड़ा सलाह, जो वाकई में दर्शाता है कि भारत बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चल रहा है। दोस्तों, और भारत को फॉलो करने के लिए दुश्मन तक को सलाह दी जा रही है, इस पर आपकी राय तो बनती है, लेकिन मेरा भारत महान कहना आप लोग मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बांग्लादेश पहुंचे अमेरिकी अधिकारी, सरकार गिराने में कुख्यात है डोनाल्ड लू। दोस्तों, अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक बांग्लादेश पहुंचे हैं, मोहम्मद यूनुस के साथ मीटिंग करेंगे, डोनाल्ड लू भारत भी आएंगे। बता दें, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के एक डिप्लोमेटिक सलाहकार बांग्लादेश पहुंचे हैं। वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ मुख्य रूप से वित्तीय और व्यापार मामलों पर चर्चा के लिए शनिवार को बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश न्यूज 24 की रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए कहा गया कि दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक सचिव डोनाल्ड लू झाका में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे हैं। इसमें दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि बेंडन लिंच भी शामिल है। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ होने का भी आरोप लगता रहा है। ऐसे में डोनाल्ड लू के बांग्लादेश पहुंचने पर पूरी दुनिया की नजर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए वो मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल वित्त और वाणिज्य सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद से भी मिलेगा। विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने भी कहा है कि चर्चा मुख्य रूप से वित्तीय और व्यापार मामलों से जुड़ी होगी। इतना ही नहीं, डोनाल्ड लू भारत भी आएंगे, सोमवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के भारतीय अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये यात्रा अमेरिका भारत 2+2 वार्ता की अंतर सत्रीय बैठक के लिए है। 2+2 मीटिंग आमतौर पर भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ करते हैं, हालांकि ये मीटिंग आगे की चर्चा का आधार तय करेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ये सरकार तुड़वाने में, आग लगवाने में एक नंबर है। अमेरिकी मंत्री डोनाल्ड लू वही अधिकारी है जिन पर इमरान खान ने अपनी सरकार गिराने का आरोप लगाया था। उन्होंने खुले शब्दों में कहा था कि डोनाल्ड लू ने उनकी सरकार गिराने को अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले डोनाल्ड लू ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसे अमेरिका ने सामान्य डिप्लोमेटिक जुड़ाव कहा था। अब देखना ये होगा बांग्लादेश जाकर के ये कौन सी खिचड़ी पकाने वाले हैं, क्या वाकई में बांग्लादेश को भड़काएंगे, जो भी चीज करेंगे। दोस्तों, ये खबर निकलकर जरूर सामने आएगी, सबसे पहले आपको बताएंगे, तो वही बताएंगे। इधर मुझू भारत आ रहे हैं, तो उधर चीन के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर कर दी चर्चा, क्या मालदीव के राष्ट्रपति डबल गेम खेल रहे हैं भारत के साथ। मालदीव रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मालदीव और चीन के ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्री घासन मोमून ने 11वें बीजिंग जियांग शान फोरम के मौके पर अपने चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जून से मुलाकात की। बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। हालांकि चर्चा का ब्यौरा नहीं दिया गया है। इस बैठक के दौरान चीन में मालदीव के राजदूत डॉक्टर फजील नजीब भी मौजूद थे। मालदीव और चीन ने पहले भी सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए बातचीत की है। ऐसे में इसी सप्ताह मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता हीना वलीद ने बताया था कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू जल्द ही भारत यात्रा पर आएंगे। उन्होंने बताया था कि अभी यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ है, दोनों देश इस बारे में बात कर रहे हैं। मुइजू की इस यात्रा को भारत के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में माले का प्रयास माना जा रहा है। यात्रा की घोषणा वाले दिन ही प्रधानमंत्री मोदी के
खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले दो मालदीव के दो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। मुइजू ने इन मंत्रियों को पहले ही निलंबित कर दिया था। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डबल गेम खेल रहे हैं मुइजू, क्या अभी भी नहीं सुधरे हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं बता दें, महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी के आरोप का क्या दिया जवाब? 12,000 FIR का क्या है पूरा मामला? कहा बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। दरअसल जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इस बात से हर कोई अवगत है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि सालों तक सामान्य स्थिति का ढोल पीटने के बावजूद वे पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं करा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा दावा कर रही थी कि कश्मीर में स्थिति ठीक है, लेकिन उन्होंने 10 साल बाद चुनाव कराए। लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और अपनी सरकार चाहते हैं। मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी पीडीपी केवल सड़क और अन्य सुविधाओं के लिए नहीं लड़ रही है, बल्कि कश्मीर मुद्दे को जीवित रखने और उसके समाधान की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि हम फास्ट ट्रैक पर 1,00,000 नौकरियों के रिक्त पदों को भरेंगे, 60,000 दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करेंगे और यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आजमाएंगे ताकि नौकरियां पैदा हो सके। मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी के इस आरोप पर कि तीन परिवारों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है जवाब देते हुए कहा मुफ्ती ने कि वो वही पीएम है जिन्होंने हर नागरिक को 15,00,000 रुपए और 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जो सरासर झूठ था। अब उन्होंने और क्या कहा, लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है और आप समझ ही सकते हैं चुनावी माहौल है तो विपक्ष या पक्ष एक दूसरे पर आरोप जरूर लगाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती ने बातें कही है वो कुछ ज्यादा ही जहरीला होता दिखाई दे रहा उनका बयान। तो दोस्तों वही आपको बता दे, कनाडा में खालिस्तानियों की हिंदुओं को धमकी पर भड़के विपक्षी नेता ट्रूडो की क्लास लगाते हुए कह दी बात। दोस्तों कनाडा में धार्मिक सद्भाव खतरे में है, जिसकी तस्दीक हाल ही की कुछ घटनाएं करती है। कनाडा में हाल ही में खालिस्तानी समर्थकों ने इकट्ठा होकर कनाडा के हिंदू वापस जाओ जैसे नारे लगाए। खालिस्तानी समर्थक वार्षिक भारत दिवस परेड स्थल पर एकत्रित हुए थे। वार्षिक भारत दिवस परेड स्थल पर इस कार्यक्रम का आयोजन 18 अगस्त 2024 को अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने किया था। इस घटना से कुछ दिन पहले ही कनाडा में कुछ पोस्टर दिखाई दिए थे जिनमें खालिस्तानी और कनाडा के हिंदुओं और एक दूसरे के विरुद्ध दिखाया गया था। ऐसे में कनाडा में खालिस्तानियों के निशाने पर आए हिंदू समुदाय को विपक्ष के नेता और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवरे का साथ मिला है। पियरे पोलिवर ने हिंदुओं के खिलाफ लगाए गए नारों पर आपत्ति जताई और खालिस्तानी समर्थकों के कृत्य की कठोर शब्दों में निंदा की। पियरे पोलिवरे ने कहा कि कनाडा में किसी भी धर्म और संप्रदाय के खिलाफ इस तरह की गतिविधि को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं बता दे, शेख हसीना की मुश्किलें नहीं हो रही कम। बांग्लादेश में एक और मुकदमा दायर, आंकड़ा पहुंचा 155। दोस्तों बांग्लादेश के अपदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। एक छात्र की हत्या के प्रयास में हसीना और 58 अन्य के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ। इस तरह हसीना के खिलाफ मुकदमों की संख्या 155 हो गई है, जिसमें हत्या के 136, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के साथ अपहरण के 3, हत्या के प्रयास के 8 और बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी के जुलूस पर हमले का 1 मामला शामिल है। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों यूनुस की सरकार इन हत्याओं के आरोप लगवा करके किसी भी तरह भारत से शेख हसीना की प्रत्यर्पण की चाल चलते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या यूनुस की चाल में शेख हसीना आ पाती है या नहीं। तो वहीं आपको बता दें, क्या 140 करोड़ भारतीयों से झूठ बोला विनेश फोगाट ने? विनेश फोगाट पर सबसे बड़ा खुलासा, हरीश सालवे के दादे ने मचा दी सनसनी। दोस्तों पेरिस ओलंपिक खत्म हो चुका है, लेकिन पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट की कुश्ती को लेकर हंगामा अभी थम नहीं रहा है। इस मामले में हर दिन कोई नया रुख सामने आ रहा है। विनेश फोगाट ने हाल ही में राजनीति की दुनिया में कदम रखा है और कांग्रेस से हाथ मिलाया है। तो वहीं विनेश फोगाट के वकील हरीश सालवे ने उनके बारे में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि वो ओलंपिक से खुद को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं करना चाहती थी। बता दे कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण फाइनल मैच से पहले अयोग्य करार दिया गया था। विनेश फोगाट ने हरीश सालवे पर भी सवाल उठाए हैं। हरीश सालवे ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरीश सालवे ने कहा कि हमारे ऑफर के बाद भी विनेश फोगाट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती नहीं देना चाहती थी। बाद में हमें अपील करने के लायक सभी दस्तावेज और जानकारी मिल गई, जिसके बाद हमने कड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन हमारी अपील खारिज कर दी गई। मैंने उनसे यानी विनेश फोगाट से ये भी कहा कि आर्बिट्रेशन अवार्ड के खिलाफ दिए गए इस फैसले को लेकर हम स्विस कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन विनेश ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बाद में उनके वकीलों ने मुझसे कहा कि वो इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आखिर क्यों विनेश फोगाट ने अपील करने से मना किया? तो वहीं आपको बता दें, भारत को खुश करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की चीन पर क्या लगाए हैं प्रतिबंध? पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने खोली पोल। दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर ग्रहण लगा दिया है। कई चीनी कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो मिसाइल प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे। गुरुवार को प्रतिबंधों की घोषणा की गई। नवंबर 2021 के बाद से अमेरिका की ओर चीन और पाकिस्तान की कंपनियों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का यह छठा दौर है। इसको
लेकर अब पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने अमेरिकी बिजनेसमैन साजिद तरार से बात की। साजिद तरार ने कहा कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया था, यहाँ कई डील हुई है, ऐसे में हो सकता है कि अमेरिका उन्हें भी खुश करना चाहता हो। तो वही बता दें, उत्तरी फ्रांस में सबसे बड़ा हादसा, इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश में प्रवासियों की नाव पलटी, 8 की मौत की खबर। दोस्तों फ्रांस से इंग्लिश चैनल पार करने के प्रयास में बड़ा हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उत्तरी फ्रांस से इंग्लिश चैनल पार करने की असफल कोशिश के दौरान आज तड़के प्रवासियों से भरी बड़ी नौका समंदर की लहरों में समा गई। इस दौरान नौका डूबने से उसमें सवार 8 लोगों की मौत हो गई। फ्रांसीसी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। लापता लोगों की सटीक संख्या की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य में टीमें जुट गई हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब इंग्लिश चैनल पार करते लोगों की मौत हुई हो। इससे पहले भी कई बार अवैध रूप से यूरोप में प्रवेश करने के लिए इंग्लिश चैनल पार करते वक्त लोगों की नौका डूबने से मौतें होती रही हैं। तो वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप बने राष्ट्रपति तो भारत का क्या होगा फायदा? इमिग्रेशन को लेकर क्लियर कर दिया अपना एजेंडा। दोस्तों अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही प्रतिद्वंदी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पिछली बार चुनाव में भारतीयों का खूब वोट मिला था, तभी तो ट्रंप दावा करते हैं कि भारत के लिए व्हाइट हाउस में उनसे बेहतर और कोई राष्ट्रपति नहीं होगा। तो आपको बता दें, अगर राष्ट्रपति ट्रंप बने तो क्या मिलेगा, फायदा क्या है डोनाल्ड ट्रंप का इमिग्रेशन को लेकर प्लान? हिंदी अखबार दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू के दौरान यूएस के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर अपना प्लान बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तभी तो उनसे जब पूछा गया कि ट्रंप को अगर दोबारा राष्ट्रपति बनने का मौका मिला तो उनके पास भारत के लिए क्या क्या प्लान है, इसके जवाब में ट्रंप ने बड़े बेबाकी से कहा कि भारतीय अमेरिकी उनके पक्के समर्थक हैं, तभी तो उन्हें पिछले चुनाव में भी खूब समर्थन मिला था। ट्रंप का कहना है कि मैं गारंटी देता हूं कि भारतीय व्हाइट हाउस में बतौर राष्ट्रपति मुझसे बेहतर दोस्त नहीं पा सकते हैं। मैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी समय से जानता हूं, उनके नेतृत्व में भारत काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी दूसरी पारी में पीएम मोदी के साथ काम करने के लिए बेहद उत्सुक हूं। जी हां दोस्तों, ऐसे में इनके बयान के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप को ही राष्ट्रपति चुनाव जीतना चाहिए या फिर कमला हैरिस को? देखते क्या कहती है भारत की प्रिय जनता। तो वहीं आपको बता दें, क्या आतिशी बनेंगी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री? केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद कौन होगा दिल्ली का नया सीएम? आपको बता दें, दिल्ली के अगले सीएम के रूप में आतिशी का नाम सामने आने पर उन्होंने काफी घुमाकर जवाब दिया और स्पष्ट कुछ भी कहने से बचती दिखाई दी। उन्होंने कहा कि जो हमारे क्रिटिक्स हैं, यानी जो हमें हमारी आलोचना करते हैं, जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, वो हमारी पार्टी को टूटा हुआ बताना चाहते हैं। भरोसा का मतलब किसी एक पार्टी ने देश को दिखाया है तो वो आपने दिखाया है, यानी आम आदमी पार्टी ने दिखाया है। मीडिया से खास बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या आप दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बनेंगी, क्या दिल्ली की अगली सीएम से बातचीत हो रही है, इस पर आतिशी ने कहा कि आप एक ऐसी पार्टी के नेता से बात कर रहे हैं जिसने ईमानदारी की एक नई मिसाल पेश की है। किस नेता में दम है जो जनता के बीच जाकर बोले कि अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट दीजिए? आतिशी ने कहा कि दिल्ली का सीएम कौन होगा यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि चाहे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें, आम आदमी की सरकार एक हफ्ते या एक महीने चलेगी, लेकिन वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करती रहेगी। अगला सीएम कौन होगा ये तो विधायक दल की बैठक में तय होगा, लेकिन दिल्ली की जनता आपकी सरकार ही चाहती है, क्योंकि उनके बेटे ने और हमारे नेता ने ये साबित करके दिखाया है, ये कहना है दोस्तों आतिशी का। हालांकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 90% आतिशी बन सकती है अगली सीएम, बाकी कौन होता है, क्या रियलिटी निकलकर सामने आती है, जुड़े जरूर रहेगा। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जो पहले से जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दे दोस्तों, जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान कह दिया है कि 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो इसी बीच ये थी मेरी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते अगली खबर में, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पर। जय हिंद।